ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 18 अक्टूबर 2023 की दोपहर 1:12 पर सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 16 नवंबर 2023 तक सूर्य तुला राशि में ही गोचर करने वाले हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। उसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में सूर्य आपको सकारात्मकता दे सकते हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। चूंकि सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और ये मंगल, केतु और बुध के साथ युति भी बना रहे हैं, यानी चतुर्ग्रही युति बन रही है, तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है, राजा का पद प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रतिनिधित्व होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो उस व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, उस जातक को सम्मान कितना मिलेगा, सरकारी और राजनीतिक जीवन में कितनी सफलता मिलेगी, ये सभी स्थिति सूर्य को देखकर ही निर्धारित किया जाता है। यदि जन्म कुंडली पर सूर्य बलवान हो, अनुकूल हो, शुभ स्थितियों में हो, तो हर क्षेत्रों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा व्यक्ति डटा रहता है। सूर्य बली हो तो शरीर में लीडरशिप क्षमता, आत्मबल, आकर्षण क्षमता ऐसे जातक के अंदर मौजूद होती है। इसकी वजह से वो व्यक्ति जहां भी जाता है वहां अपना प्रभाव बनाकर चलने में सफल होता है। सूर्य पीड़ित हो जाए, नीचस्थ अवस्था में हो जाए, जन्म कुंडली पर शनि राहु केतु के प्रभाव में यदि आ जाए तो काफी चुनौतियों का सामना, नुकसान का सामना भी जीवन में देखने के लिए मिलता है। सूर्य के पीड़ित होने पर हड्डियों में समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या, पीलिया की बीमारी, मान सम्मान की कमी, सरकारी क्षेत्रों में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव मिलने वाला है। 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2023 तक आपके जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देंगे, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, सूर्य देव आपके राशि के चौथे भाव यानी सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो आपके छठवें भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के छठवें भाव से नौकरी के बारे में, रोग के बारे में, शत्रुओं के बारे में, ऋण के बारे में विचार करते हैं, तो यह परिवर्तन आपके जीवन में कई प्रकार की सकारात्मकता और संभावनाएं भी देगा और सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले नौकरी पेशा जातकों के जीवन में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस समयावधि में यदि आप एकाग्रता बनाकर चलते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, मेहनत पूर्वक चलते हैं, तो नौकरी पेशा जातक अपने जीवन में विशेष उपलब्धि अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि आप धन को लेकर परेशान हैं, कर्ज की स्थिति यदि आपको परेशान कर रही है,
तो कर्जों से भी निपटारा होने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टियां पड़ने वाली है। इसके चलते अत्यधिक पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ने वाली है। उसकी वजह से वृषभ राशि के जातकों के जीवन में खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। और यहां पर यदि आप दीर्घकालिक कोई निवेश कर रहे हैं, लंबे समय के लिए यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं, शेयर है, बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में निवेश कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातकों को सूर्य के नीचस्थ अवस्था में चतुर ग्रही युति मौजूद छठवें भाव पर रहने की वजह से रिलेशनशिप के मामले में भी आपको सावधान रहना चाहिए। यहां पर यदि आप वैवाहिक जीवन में चल रहे हैं, जीवन साथी के साथ कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें और पारिवारिक जीवन में भी नपे तुले शब्दों का भी आपको प्रयोग करना है। इससे आपको श्रेष्ठ स्थितियां दिखाई देंगी। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का जो ये परिवर्तन है, सेहत को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। यहां पर आपको खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य आपके रोग भाव पर ही मौजूद हैं और केतु के साथ मौजूद हैं। केतु सूर्य की युति अच्छी युति नहीं है। इसकी वजह से आपको खास तौर से 18 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, चूंकि 30 अक्टूबर को केतु का परिवर्तन हो जाएगा, तो इस बीच में यदि आप वाहन चला रहे हैं या खान पान में ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, इस पर आपको विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। तो वृषभ राशि के लिए यह समय अच्छा रहेगा। तो मिला जुला ही असर आपके जीवन में देने वाला है। उपाय बताएं, रोजाना शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करें, इससे आपको काफी शुभता दिखाई देगी। कुंडली में सूर्य जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए रविवार के दिन गेहूं, तांबा और गुड़, इन चीजों में से किसी चीज का यदि आप दान करते हैं, जरूरतमंद लोगों में यदि आप दान करते हैं, तो आपको शुभता काफी ज्यादा मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि के जातकों को बेहतर लगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।